हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल NKM47 ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं हूं NM टाइगर मौर्या। मैं दे रहा हूं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई वर्क अपडेट। और आज मैं खड़ा हूं दोस्तों मीठापुर चौक पर। और मीठापुर चौक पर दोस्तों जो बन रहा है फ्लाईओवर और गोल चक्कर, आज मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो मीठापुर चौक का जो गोल चक्कर बनने वाला है वो लगभग अभी टेम्पररी बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं। वरना आप अभी इसी से 5-6 दिन पहले देखते तो यहाँ पर दोस्तों ये रोड जो है बना हुआ नहीं था। इसके ऊपर खाली दोस्तों आपको कच्चा रोड मिलता और इस पर लाल पत्थर वगैरह डले हुए थे। और आज जो है दोस्तों इसके ऊपर ब्लैक टॉप का मसाला डामर डाल के पूरी तरह से रोड ये बना दिया गया है और लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वरना यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों साइड से, अभी मैंने आपको इधर कैलंदी कुंज की साइड से दिखाया, जो कैलंदी कुंज की साइड रोड जाता है, इस साइड का भी जो गोल चक्कर का रोड है वो बना दिया गया है। और ऐसे ही काम दोस्तों जो हमारा रोड जाता है पल्ला की साइड जाने वाले रोड पर भी ऐसे ही काम पूरा हो चुका है। आपको अभी थोड़ा सा राइट में करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो सामने रोड आपको नजर आ रहा है जिस पर भी ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये वो रोड है दोस्तों जो पल्ला की साइड जाता है। और ये हमारा मीठापुर का सर्विस रोड होने वाला है, जो सर्विस रोड हमारा ये मीठापुर की साइड से पल्ला की साइड जाएगा और इसी के बीच से जाएगा दोस्तों जो हमारा एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर है। आप देख सकते हैं उसका जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के कितने सारे पिलर हैं जो वो भी बन चुके हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप अगर कैलंदी कुंज जाने वाले रोड पे देखेंगे तो उस साइड के भी जो पिलर हैं वो लगभग बन चुके हैं दोस्तों। इधर भी जो है काम आपका 80% तक हो चुका है, बाकी 20% थोड़ा बहुत काम बाकी है। ऐसे ही आप सामने देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट में एक पिलर है वो बनना बाकी है, ऐसे ही आगे एक पिलर और बाकी है दोस्तों, बाकी इधर के जो पिलर है सारे बन चुके हैं। और जो हमारा मीठापुर का सर्विस रोड है दोस्तों वो यही रोड है जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। आप देख सकते हैं इस रोड को पूरी तरह से बना दिया गया है, इस पर ब्लैक टॉप और कंक्रीट मिला के और ये रोड को तैयार कर दिया गया है और लोग इसका जो है इस्तेमाल कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यह रोड जो है ये पूरी तरह भी नहीं बना है, खाली यहाँ पर जो अभी ये गोल चक्कर इसके बीच में जो काम हो रहा है फ्लाईओवर का, इसीलिए इस रोड को भी बनाया गया है। बाकी आगे इस रोड को अभी तक आप देखेंगे सरस्वती कॉलोनी तक जाएंगे तो आपको ये रोड जो है इस रोड की ऊँचाई भी नहीं मिलेगी क्योंकि इसका भी लेवलिंग का काम भी नहीं हुआ है। ये इसी एरिया में खाली हुआ है कि ये जो आपका गोल चक्कर है इसको भी बनाना था क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं रोक सकते थे, इसलिए इस रोड को भी बना दिया गया है। बाकी आप अभी आगे जाएंगे सरस्वती कॉलोनी तक तो इस रोड का जो मिट्टी से लेवल करना था इसका वो भी नहीं हुआ है। और सरस्वती कॉलोनी के आगे से दोस्तों इस रोड का जो लेवल है वो भी हो चुका है, उसके ऊपर रोलिंग वगैरह भी हो चुकी है और उसके ऊपर जो लाल पत्थर डलने थे लाल पत्थर भी डल चुके हैं। वहाँ पर जो काम बाकी है वो यही काम बाकी है कि ब्लैक टॉप डालकर उस रोड को तैयार कर दिया जाए। बाकी उधर का जो काम है सर्विस रोड का वो 90% हो चुका है। ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।